तो आज का नाश्ता आ गया है, समोसा और पकौड़ी। तो अभी मैं नहा के आ गया हूँ, बाल कैसे झड़ूँ? ऐसे झड़ लूँ तेरे नाम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं आप लोग बहुत ही एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि मैंने लगातार 3 वीडियो से 4 वीडियो डाला है और उन सभी वीडियो पे 700 से 800 व्यूअर्स आया है। तो इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और मुझे इंस्पायरेशन भी होता है और मुझे मोटिवेशन एक अंदर से मिलता है कि हाँ चलिए, मतलब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस पर सपोर्ट आ रहा है आप लोगों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और 700 से 800 व्यूअर्स आया है। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाते रहूँ। से यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने इसको उतारा और उसके बाद से मैंने इसको पूछा। पूछने के बाद से ये क्या हुआ कि चमकने लगा। चमकने के बाद से मैंने इसको लिखा बोर्ड मार्कर से, लेकिन उसके बाद से हुआ ये कि देख सकते हैं आप। कोई ना, मैं इसको साइड में रख देता हूँ और अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास 3 बुक है, मैं सभी के टॉपिक को पढ़ता हूँ और अपना एक बुक को मैं चूज कर लेता हूँ और अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया है और मैं लगातार पढ़ूंगा, करीबन 2 से 2.5 घंटा तक क्वेश्चन लगाऊंगा, 70 से 80 क्वेश्चन लगाऊंगा। क्या है कि क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा मतलब कि आंसर भी देखना होता है ना, तो समय लगता है और सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन नहीं पाता है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है क्वेश्चन लगाने में भी। तो पहले क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्या है कि दोस्तों, अब मैंने 3 वीडियो डाला है, उस पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया है। तो इसी प्रकार से आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिए और मैं ब्लॉग रेगुलर कर दूंगा अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अभी मेरा फर्स्ट सेशन चालू हो गया है दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं देखिए क्वेश्चन कैसे लगाता हूँ कि पहले मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ और उसी समय तुरंत मैं आंसर भी देख लेता हूँ साइड में कि क्या मैंने सही आंसर लगाया है। तो इस प्रकार से मैं टिक मारते जाता हूँ उस पर, इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन लगते जाता है। तो अभी मुझे कम से कम 72 क्वेश्चन लगाना है और अभी मैं एक्सरसाइज 1 लगा रहा हूँ। और एक्सरसाइज 1 में क्या होता है कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन देता है और एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन रहता है। वो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है मेरे पास और पीडब्ल्यू का मॉड्यूल मैं जब कोटा था तो वहीं से मुझे मिला हुआ था, विद्यापीठ सेंटर से। तो विद्यापीठ सेंटर से हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का मॉड्यूल मिला हुआ था। वो क्या है कि आप एडमिशन करवाते हैं ना तो उसके साथ मिलता है। तो अभी तो मैं घर पर आ गया हूँ, तो घर पर जो भी मेरा मतलब एक्सरसाइज छूटा हुआ है उसको मैं लगाता हूँ। तो अभी मेरा बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसी को मैं अभी लगा रहा हूँ अपने एक्सरसाइज फर्स्ट में और फर्स्ट सेशन में लगा रहा हूँ। तो इसके बाद से क्या है कि फर्स्ट सेशन के बाद से मुझे सेकंड सेशन भी स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट सेशन में क्या है कि मैं बायोलॉजी का लगाऊंगा और सेकंड सेशन में मैं क्या करूंगा कि कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ लूंगा या फिर बायोलॉजी ही पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से मेरा फर्स्ट सेशन स्टार्ट होने लगता है। अभी तो भोजन का समय हो गया है जिसमें पकौड़ी है, लौकी है और अचार है और ये दाल है और ये चावल है। तो चलिए दोस्तों खाते हैं फटाफट से। तो अभी मैं खाना खा लिया हूँ और आ गया हूँ अपने रूम में और जहाँ मैं स्टडी करता हूँ देख सकते हैं, और मैं सेकंड सेशन के लिए स्टार्ट हो गया हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और शेयर कीजिए इस वीडियो को फटाफट से। यह है 12th का बुक, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं जीव विज्ञान ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है। आप सीधा सीधा पढ़ ही रहे होंगे और देख सकते हैं इसमें मैंने पेंसिल से बहुत ज़्यादा टिक लगाया हुआ है। इसका मतलब यह है ना कि मैं जब से घर आया हूँ ना तो करीबन मतलब 12 चैप्टर मतलब मैं पढ़ लिया हूँ। सामने ही आपको दिख रहा होगा 7-8 चैप्टर हैं ये, तो इन सभी चैप्टर को मैं पढ़ लिया हूँ। मतलब वहाँ पे मैं नहीं पढ़ा था, ये 12th का बुक है, तो मैं यहाँ घर पे आके ना सबका रिवाइज लगाया हूँ और अच्छे से लगाया हूँ, हाईलाइट भी किया हूँ। आप देख सकते हैं पूरा हाईलाइट किया हूँ इधर, रेड से नहीं मतलब येलो से और ग्रीन से किया हूँ। तो ये तो मतलब फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है और इसका मैं बहुत अच्छा से पढ़ा हूँ देख सकते हैं आप। मतलब क्वेश्चन भी लगाया हूँ एनसीईआरटी बोल रहा हूँ मैं, मॉडल से क्वेश्चन लगाया था तो सब क्वेश्चन लगा भी था। तो अभी मैं 11th चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, मतलब पढ़ने वाला नहीं एनसीईआरटी का रिवाइज लगाने वाला हूँ। इसमें हम सबसे पहले एनसीईआरटी का रिवाइज लगाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछता भी है। तो इसका एनसीईआरटी का हम बढ़िया से रिवाइज लगाते हैं दोस्तों।
शाम के बज गए हैं 6:50 और शाम में आ गया है मेरे लिए नाश्ता, जिसमें समोसा है और इधर टमाटर का पकौड़ी है और इधर चटनी है। तो फटाफट से इसको खाते हैं दोस्तों और मज़े लेते हैं खाने का। तो दोस्तों अभी शाम हो गया है, तो अब देख सकते हैं मेरा पूरा बुक बिखरा हुआ है, तो इसको इकट्ठा करते हैं। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।